हेलो दोस्तों, चलिए दोस्तों आज मैं बताता हूँ। अगर आपने कोई डाटा टाइप किया है पूरा और स्मॉल लेटर में लिख लिया, जैसे आपने कोई डाटा है जैसे स्मॉल मेटल लेटर में लिख लिया और उसको आपको बॉस आके बोलता है कि इसको कैपिटल लेटर में चाहिए मेरे को नाम, तो कैसे एक ही फार्मूला से आप कैपिटल लेटर में चेंज करेंगे अगर कैपिटल लेटर में है। तो अगर बॉस आके आके बोलता है कि मेरे को स्मॉल लेटर में चाहिए, तो आप कैसे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला से पूरा स्मॉल डेटा एक्सेल शीट से स्मॉल डेटा टू कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। जैसे मेरे को यहाँ ये वाला को करना है, तो क्या करूँगा, यहाँ पर इक्वल टू दबाऊँगा, यहाँ पर दबाऊँगा अप लोअर केस, ये देखिए लोअर केस, लोअर को क्लिक करूँगा, फिर जो डाटा को करना वो, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इंटर। ये देखिए अब इसको मैं खींच दूँगा, ये देखिए अब इसको मेरे को कॉपी करना है, तो कॉपी डायरेक्ट कॉपी करूँगा तो फार्मूला, ये देखिए फार्मूला भी कॉपी हो जाएगा, लेकिन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अब यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो ये देखिए नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मेन रीज़न यही है, अगर आपको करना है इसको कॉपी तो कर लेना है, लेकिन यहाँ पर जाके, रुक जाइए थोड़ा सा, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ, जिसमें क्या आपको फार्मूला नहीं चाहिए, ओनली वैल्यूज़ चाहिए, तो वैल्यूज़ को क्लिक करके ओके कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला हट गया, लेकिन यहाँ पर फार्मूला है। अब इसको मैं कैपिटल लेटर में करना चाहता हूँ, इसको कैपिटल लेटर में करना चाहूँगा तो कैसे होगा, इसके लिए बताता हूँ मैं। यहाँ पर क्योंकि अपर केस, अपर केस प्लस ये सिलेक्ट प्लस ब्रैकेट बंद, ये देखिए फिर कैपिटल लेटर में हो गया, ये देखिए पूरा। तो इस तरह से आप स्मॉल लेटर में लिखा है उसको कैपिटल लेटर में और कैपिटल लेटर में लिखा है उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।